में देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में। इंफोसिस को टैक्स डिपार्टमेंट ने 32,000 करोड़ रुपए की कथित जीएसटी चोरी के मामले में नोटिस दिया है। कंपनी दावा कर रही है कि उसने सारे बकाए का भुगतान कर दिया है। इस बीच मुद्दा कॉरपोरेट जगत में भी चर्चा का विषय बना, शेयर्स पर भी असर दिखा। कई प्रमुख नाम इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। दरअसल इंफोसिस को जीएसटी डिपार्टमेंट की ओर से एक टैक्स नोटिस भेजा गया। इसमें 32,403 करोड़ रुपए के टैक्स बकाए की मांग की गई है। डीजीसीआई ने 32,403 करोड़ का जीएसटी नोटिस भेजा है। नोटिस जुलाई 2017 से मार्च 2022 की अवधि के लिए यानी करीब 5 साल के लिए विदेशी ब्रांच के खर्चों पर आईजीएसटी नहीं चुकाने का आरोप है। नियमों के मुताबिक ये खर्चे जीएसटी के दायरे में नहीं है, इंफोसिस का यह दावा है। कंपनी की सफाई ये है कि सभी जीएसटी देनदारी का पेमेंट किया गया है। प्री शो कॉज नोटिस का जवाब भी दिया गया, इंफोसिस ये दावा कर रही है। फिलहाल ये 32,000 करोड़ का नोटिस मिला है। नोटिस की खबर आने के बाद इंफोसिस ने शेयर बाजार को इस मामले पर अपने पक्ष की जानकारी दी, बताया कि उसके ऊपर कोई बकाया नहीं है, उसने जीएसटी के सभी बकाए का भुगतान कर दिया है। कंपनी इस मामले में राज्य और केंद्र के सभी नियमों का सही से पालन कर रही है। दावा उनका है कि बताए गए मामले में उसके ऊपर टैक्स यानी जीएसटी की कोई देनदारी नहीं है। और इंफोसिस के शेयर्स के भाव पर भी इसका मार्केट में आज असर दिखा। गुरुवार को शुरुआती कारोबार में इंफोसिस का शेयर 0.55% गिरा था और लगभग 1,860 रुपए से नीचे भी आया था। ये गिरावट ऐसे समय थी जब दुनिया भर में टेक शेयर्स में रैली यानी कि बढ़त देखी जा रही थी, और ऐसे बढ़त वाले दौर में भी इंफोसिस के शेयर्स में गिरावट दर्ज की।